टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अक्षरा गलती से अभिमन्यु को अक्षु कहकर पुकारेगी। एक ही पल बाद उसे एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया। अक्षरा और अभिमन्यु पहले एक दूसरे को अक्षु और अभि कहकर ही पुकारा करते थे। दोनों के बीच वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन अब अभिनव के मौत के बाद फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाए जा रहे हैं। बता दें कि 28 अगस्त के एपिसोड में फुटबॉल मैच के दौरान अभिमन्यु को भी अक्षरा को अक्षु संबोधित करते हुए दिखाया गया है। जाहिर है कि मेकर्स भी एक बार फिर धीरे धीरे अभिमन्यु और अक्षरा को करीब आते दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही किरदारों को इस बात का पूरा एहसास है कि वह जिंदगी का एक लंबा दौर एक दूसरे के बिना जी चुके हैं, जिसके लिए फिर से एक साथ आना इतना आसान नहीं है। हालांकि दर्शक फिर एक बार अक्षरा और अभिमन्यु को साथ देखने के लिए भी बेताब हैं। शो के स्पॉइलर वीडियो में दिखाया गया है कि अभिमन्यु और अक्षरा जिस वक्त आपस में बात कर रहे होते हैं, तब अभीर भी उनके पास ही खड़ा होता है और झगड़े को देखकर अपना माथा पीट लेता है। तो क्या वक्त के साथ अभीर अभिमन्यु को अपना पिता स्वीकार कर पाएगा, यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा। इसके अलावा स्पॉइलर वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि झगड़े के दौरान अक्षरा के पास किसी का कॉल आता है और वह फोन पर बात कर रहे शख्स की बातें सुनकर चौंक जाती है। अभिमन्यु भी थोड़ा तनाव में आ जाता है, लेकिन सवाल यह है कि अक्षरा के पास कॉल आया किसका है और वह किसके बारे में बात कर रही है। शो से जुड़े अन्य सवालों के जवाब के लिए ऐसे ही देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट। नमस्कार।